है लोहना गांव में। आइयो यहां पर इनका प्रोग्राम हर मासिक की तरह यहां पर लोहना गांव में कराया गया और यहां पर जो संयोजक है उन्होंने कराया दीपसिंह राजपूत। आइए हम आपसे मिलाते हैं जो आनंद राजपूत जी हैं, उन्हें उनके जो प्रोग्राम खास जो है उनका बात करेंगे। आइए सर, इसके बारे में जो आपको थोड़ा बताएं कि ये किस प्रकार से समाज में काम कर रही है और किस लेवल तक इस समाज को ले जाने की बात है, क्योंकि हमारे आप जान सकते हैं कि समाज में जो गरीब लोग हैं जो अपनी शिक्षा को लेकर बहुत ही परेशान रहते हैं, जो कि बोलते हैं कि हम गरीब हैं, पढ़ नहीं पाएंगे, लिख नहीं पाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे, उसके बारे में बच्चों को किस प्रकार से आप बताना चाहेंगे और जो गार्जियंस हैं उनके दिमाग में जो भरा हुआ है कि हम अपने बच्चे को आगे नहीं ले जा सकते, ये कि जो अमीर बच्चे हैं वो ही जैसे कि इंजीनियर डॉक्टर बन सकते हैं, हमारा बच्चा कभी इंजीनियर डॉक्टर नहीं बन सकता है, उनके गार्जियंस को आप क्या कहना चाहेंगे? लक्ष्य एक राष्ट्रीय संगठन है जिसके संयोजक माननीय श्री अमरपाल सिंह राजपूत जी हैं और इसकी इकाइयां हर प्रदेश में हैं। ये जिला इकाई है, इस जिला इकाई में एक अध्यक्ष का अध्यक्ष होता है और हमारी एक कार्यकारिणी होती है और इसमें जुड़े हुए सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं। इसके अलावा इंटेलेक्चुअल्स भी जुड़े होते हैं जो बौद्धिक प्रतिभा क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्रों से आते हुए हैं। हम लोग अपना ये गांवों में कार्यक्रम कराते हैं, हमारा उद्देश्य होता है शैक्षणिक उन्नयन। गांवों में जो बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं या पढ़ाई में पिछड़े हुए हैं वो मुख्य धारा से, पढ़ाई की प्रमुख धारा से कैसे जुड़ें, और गार्जियंस को हम लोग ये प्रेरित करते हैं कि वे सब गवर्नमेंट की योजनाओं को अधिक से अधिक लाभ उठाएं। सरकारी स्कूलों में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, बच्चों को पढ़ाएं। अगर उनको कोई पढ़ाने लिखने में किसी प्रकार की परेशानी होती है तो लक्ष्य संगठन हमारा सहयोग करता है। इसमें सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं और इसका अपना एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का फंड होता है, उस फंड के माध्यम से हम इनके लिखने, पढ़ने, फीस देने इत्यादि सभी प्रकार की व्यवस्था करते हैं। अगर कोई बच्चा पढ़ने में अच्छा है और उसकी आर्थिक स्थिति खराब है तो हम उसकी आर्थिक स्थिति का सहयोग करते हैं और हमने कई गांवों में अपनी लक्ष्य की कोचिंग्स खोल रखी हैं। ये निशुल्क कोचिंग है और इनका खर्चा हम ये लक्ष्य टीम उठाती है। ये लक्ष्य टीम में सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, इन्हीं के फंड से ये पैसा दिया जाता है। हम किसी भी अभिभावक से या छात्र से कोई पैसा नहीं लेते हैं और सामाजिक एवं जनहित में, छात्र हित में और बच्चों के हित में ये लगातार यहाँ पर काम करते रहते हैं। हमारे कई सहयोगी लोग हैं, जैसे आज का ये कार्यक्रम हमारे यहाँ पर माननीय श्री प्रधान जी जो धीर सिंह राजपूत जी लोहना के प्रधान जी हैं उनके सहयोग से हुआ। यहाँ का सारा खर्चा उन्हीं ने उठाया और लक्ष्य के नेतृत्व में उन्होंने ये सहयोग किया और यहाँ पर जो बड़े बड़े प्रबुद्ध लोग आए थे जिस करते हैं जिसको कैरियर गाइडेंस कहते हैं, हम लोग कैरियर गाइडेंस का कार्यक्रम भी लगातार करवाते हैं और ये हमारा कार्यक्रम लगातार गाँवों में होता रहता है। हमारे साथ ग्राम प्रधान जी भी है, उनसे हम बात करेंगे, वो क्या कहना चाहेंगे? ये बलाकीपुर लोहना में लक्ष्य का कार्यक्रम था, इसमें हमारे लक्ष्य के पदाधिकारी जिला अध्यक्ष डॉक्टर आनंद सिंह राजपूत और अन्य पदाधिकारी आए थे। बारीकी से हमारे गांव के बच्चों को, गार्जियन को समझाया और आगे भी ऐसे कार्यक्रम चलते रहेंगे और जहां दिक्कत बच्चों की आएगी, तैयारी की या कोचिंग की, वो ये लक्ष्य सहयोग करेंगे। लक्ष्य ही मतलब जगह जगह कार्यक्रम करवा रहे हैं। इसमें हमें बड़ी खुशी की बात है जो हमारे गांव में लक्ष्य का कार्यक्रम हुआ, इसको मैं धन्यवाद देता हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे सर, कोई जो बच्चा आउट में है वो संपर्क करना चाहता है, वो कैसे संपर्क करेगा? मैं लक्ष्य का राज्य इंडिया प्रभारी हरिमोहन राजपूत। लक्ष्य जो है इसमें प्रदेश में पूरे हर जनपद में कार्य कर रहा है और हर जगह कोई न कोई कर्मचारी उनको मिल ही जाएगा और हम अपना नंबर जो है देते हैं सबको और संपर्क सूच देते हैं, जिससे बच्चे तैयारी करना चाहें कोई अगर बाहर तो उनकी पूरी सुविधा रहती है। अगर आर्थिक सहयोग की मदद होती है तो हम लोग इकट्ठा करके एक वेदांता कोचिंग के नाम से कोचिंग है, समाज की कोचिंग है, उसमें छूट दिलाते हैं, सहयोग करते हैं और समाज में अगर नवोदय की कोई तैयारी करना चाहता है जगह जगह कोचिंग सेंटर खुला रखे, यानी हमारे जो है इसमें IAS अधिकारी से लेके सभी छोटे छोटे कर्मचारी गांव के शिक्षक तक जुड़ा हुआ है और ये संगठन जो है स्वामी ब्रह्मानंद जी के त्याग के पथ पर चल रहा है, जो उन्होंने शिक्षा की अलग जगह इसलिए और पाखंड से
और अंधविश्वास कुरीतियों का भी विरोध करता है लक्ष्य। समाज में तमाम तरह की कुरीतियाँ हैं जिससे लोग धन को अपव्यय करते हैं, उस अपव्यय को कैसे रोका जाए उसके बारे में लक्ष्य मार्गदर्शन करता है और नशा जैसी कुरीतियों बुराइयों का भी विरोध करता है। मृत्युभोज है, मृत्युभोज का भी लक्ष्य विरोध करता है। समाज से इससे धन का खाम का नुकसान होता है, इसलिए अधिक से अधिक लोग शिक्षा से जुड़ें। हमारा कार्य यही है बच्चे अधिक से अधिक उन्नति करें, शिक्षा से जुड़ें और कुरीतियों से बहुत दूर रहें और अच्छे अच्छे पदों पर पहुँचें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। श्री आनंद राजपूत जी, उनके बगल में बैठे राजकीय महिला विद्यालय के प्राचार्य श्री श्यामपाल राजपूत जी, पीपी सिंह राजपूत जी जो इंजीनियर हैं, उनके बगल में बैठे एई पूर्व रिटायर एई साहब और आपके क्षेत्र में बहुत ही चर्चित व्यक्ति श्री संतोष राजपूत जी, आपके गांव के प्रधान श्री धीर सिंह राजपूत जी, मुकेश राजपूत जी, बराखेड़ा के प्रधान श्री पवन राजपूत जी, समस्त लक्ष्य की टीम को मैं धन्यवाद देता हूं जो ऐसे कार्यक्रम समाज में जो हो रही कुरीतियों, समाज को कैसे आगे बढ़ाया जाए, समाज में लड़ाइयों को कैसे दूर किया जाए, ऐसे सभी लक्ष्य के पदाधिकारियों को मैं प्रणाम करता हूं और इस गांव के सभी बच्चे, बड़े बुजुर्ग, नौजवान साथी, मैं आप लोगों से तीन बातें मैं कहूंगा। आप सर्वप्रथम शिक्षित बने, शिक्षित हो, अगर आप शिक्षित होंगे तो आपकी नौकरी जरूर लगेगी। जैसा आप सोचते हैं जीवन में वो ही होता है। आप अगर गलत काम सोचेंगे तो आपके द्वारा गलत काम ही होगा, अगर आप सही काम सोचेंगे तो आप सही काम करके दिखाएंगे। अगर आप सोचेंगे मैं डॉक्टर बनूं तो आप निश्चित मानिए भगवान भी आपके साथ रहेगा, आप डॉक्टर बनेंगे। आप सोचेंगे मैं आईएएस बनूं, मैं डीएम बनूं, तो आप डीएम बनेंगे, ईश्वर भी आपकी मदद करेगा, आप इस बात मानिए इस बात को। ये आप जब सोते हैं आप एक प्रैक्टिकल कर लीजिए, कल ही आप जिस समय आप सोए और मन में यह ठान लें कि मुझे 4 बजे जगना है तो निश्चित तौर पे आप 4 बजे उठ जाएंगे, मेरा यह विश्वास है। एक बार आप प्रैक्टिकल करके देख लें। आप बच्चे हैं, आपके पिताजी भी हैं, जब बच्चा पैदा होता है तो सम्मान सबको अच्छा लगता है। जब आप पढ़ेंगे लिखेंगे